जल्दी से इस अभ्यास को हम लोग देख लेते हैं। आओ देखो क्या कह रहा है और कैसे हम लोग बताएंगे प्रश्नावली। आज 4.4 को समाप्त करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कई आपसे पूछे तो इस चीज़ को कैसे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है पहला कि एक चर वाले दो और एक चर वाले दो चर वाले समीकरण y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। अच्छा ये बताओ, जब एक चर कहेगा तो उसमें एक ही x या y होना चाहिए, जब दो चर कहेगा तो उसमें दो होना चाहिए। तो जब जब भी माने एक चर की निरूपण कहेगा करने के लिए ना, तो देखो ध्यान से एक देखो समीकरण दे दिया है ना y बराबर 3। तो जब एक चर में ज्यामितीय निरूपण कहेगा तो तुम लोग जानते होंगे एकदम एक ही रेखा खींचना है, वह एक से रहे चाहे वाई रहे, जो भी रहे मैंने एक ही रेखा खींचना है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, वाई बराबर 3 है ना, तो 3 पर नमस्ते, 3 पर दिखा करके आप छोड़ देंगे, सिर्फ 3 पर, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बिंदु को दिखाना है जिसका नाम है 3। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड कह रहे दो चर वाला रेखिक निरूपण, हालांकि समीकरण तो यह दिया है वाई बराबर 3, लेकिन दो दो आपके चर वाला कहेगा तो एक एक सच रहेगा और एक तुम्हारे पास क्या रहेगा वाई अच्छा रहेगा। तो देखो अब इसमें जब दो चर वाला कहेगा ना तो आपको दो खींचना पड़ेगा। अब वाई का मान आप देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, तो जान वाई अच्छा है उस पर 3 से एक रेखा खींच देंगे, यानी से सीध होता है कि वाई बराबर 3 से रेखा जाती है। बस समझे, समझ में आया जी, माने दो कही ना दो चर वाला तो एक वाई अच्छा, अब जानते हैं वाई यहाँ वाई अच्छे यहाँ वाई डैश यहाँ एक सच यहाँ एक से डैश, इस तरीके से इसको क्या कर देंगे बना देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही कह रहे हैं ना कि एक चर वाला दो चर वाला समीकरण के रूप में 2x+9 = 0 को ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्या दे दिया आप, ओके पास दे दिया 2x+9 = 0, तो सिंपल सी बात है भाई कि पहले इसको हल करिए 2x = -9, x = -9/2, अच्छा भाग देंगे तो -4.5 आ गया। अब प्रश्न में ही कह रहा है कि इसका एक चर में एक बार निरूपण करना है, तो आप लिखेंगे एक चर में ज्यामितीय निरूपण, तो एक आप खींच देंगे यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन आपका है कितना 4.5 है ना, तो 4 और 5 के बीच में -4.5 आता है, तो यहाँ पर दिखा देंगे एक चर में कहेगा। दो चरों में ज्यामितीय निरूपण कहेगा तो एक वाई एच खींचेंगे एक एक्स एच खींचेंगे, और सिर्फ दो अक खींच करके या जगह दिखाया गया था वैसे ही आपको एक सच पर दिखा देना है। और इस तरीके से बहुत प्यारा बहुत छोटा सा अभ्यास था, खत्म हुआ। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कौन, कल हम लोग पढ़ेंगे 5.1।